गिनती 16 का 46, बुक ऑफ नंबर चैप्टर 16 वर्स 46, गिनती 16 अध्याय 46 वचन, 16 का 46 गिनती। और मूसा ने हारून से कहा, धूपदान को लेकर उसमें वेदी पर से आग रख कर उस पर धूप डाल, मंडली के पास फूर्ती से जाकर उसके लिए प्राश्चित कर, क्योंकि यहोवा का कोप अर्थात क्रोध अत्यंत भड़का है और मरी अर्थात महामारी बीमारी के रूप में भी हो सकती है फैलने लगी। फिर से पढ़ूंगा इसको, अब आपको सुनना है इसको ध्यान से, बहुत हमारे प्रार्थना के जीवन में इंपैक्ट ला सकता है ये वचन। और मूसा ने हारून से कहा, ध्यान दे रहा, मूसा ने हारून से कहा, धूपदान को लेकर उस वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डाल। मैं अब दो चीज को खाली आपको बताऊंगा, पहला है आग, दूसरा है धूप। आग क्या है और धूप क्या है? हमारे प्रार्थना में आग और धूप दोनों होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हैं तो हम परमेश्वर के क्रोध को जो भड़कता है, हम परमेश्वर के क्रोध को शांत कर सकते हैं, जैसा मूसा ने किया। कई बार जब परमेश्वर उठा इसराइलियों को पूरा जड़ से खत्म करने के लिए और परमेश्वर ने कहा, मूसा इनको मैं खत्म करता हूं, तेरे द्वारा एक नई जाति उपजाऊंगा, लेकिन फिर उस विचार को मूसा बदलता है। तो कई बार हम देखते हैं परमेश्वर के क्रोध को मूसा आकर ठंडा करता है। तो हम देखते हैं कि मूसा में जो आत्मा था वही आत्मा आज हमारे जीवन में उड़ेला गया है। तो अगर मूसा ये काम कर सकता है तो हर एक व्यक्ति जो नम्र है, दीन है, परमेश्वर के आगे ये काम कर सकता है। लेकिन शर्त यही है कि उसके वेदी में आग और धूप होनी चाहिए। सो वेदी क्या दिखाता है? हमारा शरीर, शरीर या मन, जो परमेश्वर का मंदिर, उस समय वेदी मंदिर, मंदिर के अंदर वेदी होती थी, लेकिन वो आग बदलकर हमारा शरीर क्या है, प्रार्थना का मंदिर बन गया, या फिर हम कह सकते हैं हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। हमारा मन जो है वो वेदी है, आग जो है पवित्र आत्मा है, धूप है वो प्रार्थना है। आमेन ना। अब हम देखते हैं धूप के विषय में, वह हमें मिलेगा आपका प्रकाशित वाक्य में जाकर, प्रकाशित वाक्य 5:8-3 और 14 का, तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन 5:8 पढ़ने मिले कि धूप क्या दिखाता है। मैंने कहा वेदी मन है, आग पवित्र आत्मा है, और धूप क्या है? प्रार्थना है। आइए पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 5:8। और जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 2400 प्राचीर उस मेमने के सामने गिर पड़े और हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थना है। आमीन। ये सोचिए कितना पावरफुल है। अगर ऐसा जीवन हमारा है तो हम परमेश्वर का आमना सामना कर सकते हैं। सोचिए कि परमेश्वर किसी किसी बात के लिए हमारे पृथ्वी पर महामारी भेज रहा है या कुछ भी भेज रहा है, आप दोनों हाथों को उठाकर परमेश्वर के क्रोध को रोक सकते हैं, या फिर आप डिफेंड कर सकते हैं, परमेश्वर अभी थोड़ी देर और थोड़ा मौका दे दीजिए, या फिर आपके भाई या बंधु या परिवार के लोग जो प्रभु में विश्वास नहीं करते हैं और अकाल के समय में, महामारी के समय में, युद्ध के समय में आप रोक सकते हैं, प्रभु मेरे परिवार के लिए थोड़ा और समय दे दीजिए। देखिए किस तरह से बार्गेनिंग किया था अब्राहम ने सदोम और अमोरा के विषय में, है ना, जो आज हर एक दिन ही कर सकता है, बशर्ते उसका मन सीधा होना चाहिए। बहुत सारे वचन है, उसका मन सीधा होना चाहिए, उसका मन पवित्र आत्मा से भरा हुआ होना चाहिए, और तीसरा प्रार्थना होनी चाहिए। आमेन। और इस तरह की प्रार्थना बदल सकती है किसी भी एनवायरमेंट को, देश को, राज्य को, जाति को, परिवार को, किसी परिस्थिति को। ऐसा व्यक्ति, मैं कह रहा हूं ऐसा व्यक्ति बदल सकता है। आमेन। ऐसा व्यक्ति बदल सकता है जिसने अपने मन को, अपने वेदी को आग से भर रखा है। इसकी आग से, पवित्र आत्मा से आग से भरा हुआ वेदी है। सुनिए,
अगर आप वेदी में धूप डालते हैं, आप चाहते हैं धुआं उठे, तो क्या करना पड़ेगा? आग, बिना आग के धुआं नहीं उठ सकता। अगर आपके वेदी में आग नहीं तो धुआं नहीं उठ सकता। तो वेदी, तो मैंने कहा तो वेदी क्या है? मन है। आग जो है पवित्र आत्मा है, और धुआं क्या है? सुगंध धूप, वो प्रार्थना है। तो सोचिए, हमारे मन में सिर्फ हमने धूप रख दिया है, आग नहीं, तो कहां नहीं जाएगा प्रार्थना? स्वर्ग नहीं जाएगा। स्वर्ग तो तैयार है प्रार्थना को रिसीव करने के लिए। यहां पर हम आगे और भी पढ़ते इसको, 8:3 में एक धूप दान उनके हाथ में रहता है, स्वर्गदूत के हाथ में। 8:3 प्रकाशित वाक्य, एक धूप का दान उनके पास रहता है, प्रार्थना को एक कटोरी रहता है, कटोरा बड़ा सा, धूप दान का कटोरी नहीं बोलूंगा, धूप दान बोलूंगा। 8:3 में स्वर्गदूत के हाथ में रहता है कि जब आप प्रार्थना करते हैं उसको उसमें भर देता है वो, और सीधा चला जाता है स्वर्ग। ये स्वर्गदूत का काम है पृथ्वी पर। नाउ क्या लिखा है? फिर एक और स्वर्गदूत, प्रकाशित वाक्य 8:3 में, फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूप दान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ। इसका मतलब हमारे निकट, ये वेदी क्या है? हमारा मन, जिसके पास कौन खड़ा हुआ है? स्वर्गदूत। और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ उस सोनहली वेदी पर जो सिंहासन के सामने, मतलब स्वर्ग में परमेश्वर के, वहां चढ़ाए। हालेलुया, ओ हालेलुया। तो इसलिए हमारा मन में अगर खाली प्रार्थना कर रहे हैं और पवित्र आत्मा की आग नहीं है, तो प्रार्थना कहां नहीं जाएगी? ऊपर कैसे उठेगी? ना, पवित्र आत्मा की आग जो है वो प्रार्थना को ऊपर उठाती है। आमेन। और स्वर्ग खड़े रहते हैं हमारे प्रार्थना को रिसीव करने के लिए, परमेश्वर के पास लेकर जाने। आमेन। ना, कुरनेलियुस का, कुरनेलियुस की बात करते हैं, के विषय में लिखा गया है 10 में कि उसको जब स्वर्गदूत ने विजिट किया तो उसका कर, उसके लिए कहा जाए कि तेरे दान और प्रार्थना स्वर्ग में पहुंचाए गए हैं। वो कह रहे कि पहुंचाए गए हैं, दया ने, इसका मतलब पहुंचाने वाला कोई है। इसका मतलब जब कुरनेलियुस घुटने टेकता था, स्वर्गदूत हाजिर होता था उसकी प्रार्थना को लेकर परमेश्वर के पास पहुंचाने के लिए। आमेन। कितना अद्भुत है ये सोच। इसलिए यीशु मसीह बार बार मती, मरकुस, लूका, योहन्ना में बार बार इसी बात को कहता गया, हिम्मत मत हारो, प्रार्थना करो जागते रहो। रिपीट किया गया कितना बार, इसलिए किया गया। आमेन। क्योंकि प्रार्थना ही है जो 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 चेंज कर सकता है, प्रार्थना ही है जो मौसम को बदल सकता है, प्रार्थना ही है जो परमेश्वर की योजना को बदल सकता है। लेकिन शर्त एक ही, वेदी में आग होनी चाहिए। वेदी क्या है? मन। फिर से रिपीट करो, वेदी क्या है? मन, आग, पवित्र आत्मा, और धूप क्या है? उसके बिना। और आज कलीसिया में सिर्फ यही चीज है, वेदी है, प्रार्थना है, आग नहीं। इसलिए कलीसिया चिल्ला रही है, पुकार रही है, लेकिन परमेश्वर तक नहीं पहुंच रहा है, परमेश्वर तक नहीं पहुंच रहा है। वो चिल्ला रहे हैं दुखों में, कष्टों में, लेकिन आंसर नहीं मिल रहा। 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, एक विश्वासी की जिंदगी प्रार्थना कर रहा है, लेकिन प्रार्थना में ये सीक्रेट जो है उन तक नहीं पहुंच रहा है। कि प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन जब हम तरीके से नहीं जाते हैं तब हम चुप जाते हैं, हमारी प्रार्थना चुप जाती है, जाती नहीं, जहाँ जानी चाहिए वहां नहीं जाती। मानो कि हम यही प्रार्थना करते चार दीवार में दफन हो जाती। इस ये कलीसिया की स्थिति है। इसलिए यह समय है अपने वेदी को आग से भरे रहने। आमेन। और वो आग, अब मैं और क्लियर करता हूं, इर्मिया जब पढ़ते हैं 29 अध्याय में लिखा है, पहले मैंने कहा आग जो है वो पवित्र आत्मा, और धूप जो है वो प्रार्थना के रूप में पहुंचाई जाती, लेकिन वेदी में आग जलती रहे इसके लिए फ्यूल की जरूरत है, और वो है वचन। और इर्मिया कहता हूं 29 में, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? और बिना पवित्र आत्मा के, बिना वचन के पवित्र आत्मा नहीं चल सकता। अगर वचन, पवित्र आत्मा एक्टिवेट होना है तो वचन को मेडिटेट करना है और ध्यान देना है और समझना है। जितना आप सोचेंगे उतना ही आग आपके वेदी में बढ़ता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा। आमेन।
ना नहीं सर। इसका एग्जांपल बहुत अच्छा है, दाऊद कहता है कि अगर आपके विरोध में कोई आपको चोट पहुंचाता है, निंदा की है और आपके विरोध में कुछ गलत सोचा है, गलत बोला है, तो जब आपका सामना उसके साथ होता है तो आप रात भर उसके बारे में सोचते, उसने मुझे ये कहा, ये कहा, ये कहा, उसके साथ मतलब बहुत ही बुरा आपके साथ किया है, तो आप दिन रात, दिन और रात आपके मन में जो है शांति नहीं होती, आपको चैन से आप विश्राम नहीं कर पाते, सो नहीं पाते, क्योंकि वो बात आपको, वो बात जो है आपके मन में चुभाती रहती है, मतलब वो बात जब आप सोचते आपको गुस्सा आ जाता है ना, तो क्रोध एक आग की तरह है। तो जब हम ऐसी बातों को सोचते हैं और मन, हमारे मन को हम जला सकते हैं, तो परमेश्वर के वचन के द्वारा हम अपने मन को क्यों नहीं जला सकते? आग जो है हमारा मन, जो वेदी के रूप में, उसमें उस आग को क्यों नहीं जला सकते? तो हम जहां सोचते हैं वो परमेश्वर के वचन को सोचे, किसी के खिलाफ नहीं, किसने आपके बारे में क्या बोला उसको हम ना सोचे, परंतु इसका उल्टा वचन को सोचे। आमेन। उससे आपकी आग बढ़ती जाएगी। हालेलुया। आमेन। और आप आनंद से बढ़ते जाएंगे, पवित्र आत्मा से बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। ये सीक्रेट है कि आप अपने वेदी को साफ रखें। आमेन। अगर आप सही चीज नहीं डालेंगे, आग नहीं जलेगी। वो है शुद्ध वचन, मिलावट वचन नहीं, शुद्ध वचन, प्रकाशन से भरा हुआ वचन। जब आप ढालेंगे पवित्र आत्मा की आग बढ़ेगी। आमेन। और तब आप प्रार्थना करेंगे, सीधा प्रार्थना, बिना किसी रुकावट के स्वर्ग तक पहुंचाई जाएगी। आमेन। और इस काम में स्वर्गदूत भी आपके फेवर में, आपके पक्ष में काम करेगा। आमेन। हालेलुया। एक बात और मैं आपको याद दिलाता हूँ, प्रकाशित उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक किसी भी सेवक में हमें कोई फर्क नहीं। याद करें, हम बोलते रहे तो मूसा था, वो तो दानियल था, वो तो प्रेरित था, वे उन्होंने वैसे क्या नहीं कर सकते? जी नहीं, ऐसा नहीं, उनमें और हम में आज कोई फर्क नहीं है, क्योंकि उस आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा कोई फर्क रखा ही नहीं गया है। इसलिए प्रेरित ने जो किया वो भी हम कर सकते, क्योंकि वही आत्मा जो प्रेरितों में एक्टिवेट होती थी वही आज हमारे जीवन में भी है। हम भी वही कर सकते हैं जो प्रेरितों ने किया, जो नया नियम में हुआ। आमेन। आमेन। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। ग्लोरी टू गॉड।